यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में पूर्व मध्य पुस्तक चित्रण शैली का अध्ययन किया। बाइजेंटाइन कला, रोमनस्क आदि कलाओं के साथ साथ पश्चिमी कला में भित्ति चित्र शैली का भी एक अनोखा इतिहास रहा है। बहुत समय तक बाइजेंटाइन कला को एक रस कठोर तथा कुरुचिपूर्ण भड़कीली समझा जाता था रहा, किंतु इसके गंभीर अध्ययन तथा विश्लेषण से इसकी विशेषताएं ज्ञात हुई और विकास के विभिन्न चरण का भी ज्ञान हुआ। प्राय कुस्तु दुनिया से ही इसका आरंभ किया जाता है और राजधानी की कला का ही मुख्य रूप से अध्ययन करके विभिन्न प्रांतों में उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यूनान, रोम, कंबोडिया, कंपाडोसिया, मकदूनिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया तथा माउंट एंथोस के उपासना ग्रहों में भी महत्वपूर्ण भित्ति चित्रों का अंकन हुआ है, जिसका इतिहास आज भी हम बड़े गौरव और उत्सुकता के साथ पढ़ते हैं। आरंभिक ईसाई कला पर मेसोपोटामिया तथा सासानी ईरान के प्रभाव पड़ चुके थे। ये प्रभाव चौथी शती के मणिकुट्टी चित्रों के अवशेषों में स्पष्ट हैं और धीरे धीरे बढ़ते गए। हेलेनिस्टिक तत्वों के साथ मिलकर इन प्रभावों ने ईसाई चित्रकला का विकास किया। रेवेन्ना में यह समन्वय सर्वप्रथम परिलक्षित होता है। हेलेनिस्टिक शैली में स्थानगत विस्तार, प्रकाश, लोच तथा लावण्य था। आकृतियाँ गठनशील थी, जिनमें छाया तप का प्रयोग किया जाता था। आकृतियों के रेखांकन में गोलाई तथा गहरे रंगों से गहराई के प्रभाव उत्पन्न किए जाते थे। वस्त्र, वायु तथा सूर्य के प्रकाश से प्रभावित मुखाकृतियां आंतरिक भाव की व्यंजक पृष्ठभूमि के भवन ठोस तथा वृक्ष वायु से हिलते हुए अंकित किए जाते थे। पूर्वी कला में आकृतियां समतल और द्विस्तारात्मक है, स्थानगत विस्तार का कोई विचार नहीं है और पृष्ठभूमियाँ एकरंगी पट्टियों के रूप में प्राय गहरी नीली तथा चमकदार सुनहरी हैं। जहाँ पृष्ठभूमि में कोई दृश्य अंकित है, वहाँ भवनों अथवा वृक्षों आदि को केवल प्रतीक विधि से प्रस्तुत किया है, जिसमें न दूरी का भ्रम है और न परिप्रेक्ष्य के नियमों का प्रयोग। मुखाकृतियाँ और एवं शरीर सम्मुख स्थिति में है, बॉर्डर आदि समतल हैं और वस्त्रों की सिकुड़ने ज्यामिति रेखा मात्र हैं। आकृतियों में शरीर की कोई अनुभूति नहीं है और वे सम्मुख स्थिति में अंकित सीमा रेखा मात्र प्रतीत होती है। रंग योजनाओं और सूक्ष्म अलंकरणों के प्रभाव प्रमुख हैं। मुखाकृति सममात्रा युक्त हैं, जिसमें नेत्र बड़े और चमकदार बनाए गए हैं। यह शैली यथार्थ जगत में से हमें किसी अतीन्द्रिय धार्मिक लोक में ले जाती हैं। ये दोनों शैलियाँ ईसाई कला में मिश्रित हुई। बाइजेंटाइन कला में चार मुख्य तकनीक आरंभ हुए। लकड़ी के छोटे पटरों पर
संतों आदि की आकृतियाँ मोम से बनाई गई। खाल की पांडुलिपियों पर लघु चित्र अंकित किए गए। इनमें छोटे चित्र प्रथम टेक्निक के समान हैं और बड़े चित्र भित्ति चित्रों से भरे थे। भित्ति पर बनने वाले मणिकुट्टिम चित्र तथा फ्रेस्को चित्र, इनमें से प्रत्येक टेक्निक की अपनी अपनी विशेषता और सीमा है। मणिकुट्टिम की शैली में फ्रेस्को जैसी लोच अथवा मोम चित्रण जैसी बारीकी नहीं आ सकती। खाल पर चित्रण में स्वतंत्रता है और चटकीले रंगों का प्रयोग सुविधा से किया जाता जा सकता है। फ्रेस्को में यहाँ फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बुनो आला गिला आदि कई विधियाँ थी। फ्रेस्को में सुनहरी पृष्ठभूमि कटिंग होती है, जबकि मणिकुट्टिम तथा ग्रंथ चित्रण में इसका अंकन सरलता से किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो मणिकुट्टिम में स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं और वे मणिकुट्टिम की सामग्री पर निर्भर रहते हैं। फ्रेस्को चित्रों में प्राकृतिक वातावरण का जो प्रभाव उत्पन्न हो सकता है वह मणिकुट्टिम में कदापि संभव नहीं है। बाइजेंटाइन चित्रों में चित्रों की शैली टेक्निक की विभिन्नता पर आधारित है। मोम से बने पट्टी का चित्र और मणिकुट्टिम चित्र अपनी रूप तथा रंग योजनाओं में पूर्वी कला के अधिक निकट हैं। पूर्वी कलाओं का इन पर प्रभाव पड़ा है। फ्रेस्को तथा लघु चित्र हेलेनिस्टिक प्रभावों से प्रभावित हैं। कलाकृतियों पर स्थानीय परंपराओं, संप्रदायों, कलाकारों की व्यक्तिगत रुचियों तथा धार्मिक विश्वासों आदि का भी प्रभाव है। बाइजेंटाइन भित्ति चित्रों के विषय सुंदर दृश्य संयोजन, जिनमें भवनों आदि की आकृतियाँ भी चित्रित रहती थी, महान पुरुषों तथा दिव्यात्माओं की यथार्थपरक आकृतियाँ जिनमें पृष्ठभूमि का कोई भी विचार नहीं किया जाता था आदि थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी आकृतियाँ भी विचित्रित हुई हैं जो साधारण अलंकरण जैसी लगती है किंतु जिसमें रहस्यात्मक अर्थ छिपे हैं। मयूर की आकृति उस समय आलेखनों में बहुत चित्रित हुई है, किंतु चूंकि इसका मांस दूषित नहीं होता अतः यह ईसा के पुनर्जन्म का संकेत देने वाला प्रतीक बन गया। कपोत को ईसा की शांति का प्रतीक समझा गया। मछली भी पवित्र मानी गई क्योंकि मछली के लिए यूनानी भाषा में जो शब्द इक्यूस है वह ईसुस क्रितोस थियोस स्वटर ईश्वर पुत्र ईसु ख्रिस्ट हमारा रक्षक वाक्य का बीज शब्द प्रतीक बन गया है। आरंभिक भित्ति चित्रों में ईसा अपोलो के समान, आइरिन किसी यूनानी देवी के समान तथा संत यूनानी दार्शनिकों जैसे लगते हैं। ईसाई विषयों को शास्त्रीय दृश्य संयोजनों के अनुरूप बदल डाला गया। 8वीं सदी से भित्ति चित्रों की शैली में विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। ईसा को सीरियन आदर्श के अनुसार दाढ़ी एवं लंबे चोगे के साथ अंकित किया जाने लगा। इसी के साथ साथ कुमारी तथा शिशु आदि के चित्रों में भी इटली की परंपरा का अनुगमन किया गया। आकृति विरोधी प्रवृत्ति 726 से 820 बाइजेंटाइन कला में लगभग 100 वर्ष का युग ऐसा रहा है जब आकृति चित्रण का निषेध कर दिया गया था। इसे आकृति विरोधी संकट का युग भी कहा जा सकता है। जब यह संकट समाप्त हो गया और आकृति चित्रण के समर्थक पुनः सत्ता में आ गए और उन्होंने आकृति विरोधी सम्राटों के राजकीय विवरण को भी नष्ट नहीं किया, बल्कि उस युग के सिद्धांतों के अनुसार जिन कलाकृतियों की रचना हुई थी उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार इस युग में
भित्ति चित्रण का इतिहास सरोवरी और समृद्ध रहा। बस युग के पश्चात ईसाई कला में दो प्रकार की आकृतियाँ चित्रित हुई। प्रथम प्रकार में सम्राटों को ईश्वर की सीधी वंश परंपरा में दिखाया जाने लगा और दूसरे प्रकार में धार्मिक चित्र पुरानी पद्धतियों पर ही बनने आरंभ हुए थे। पश्चिम देशों में भी ईसाई धर्म ईसाई कला का स्वरूप पूर्व देशों की भांति रहा। इसी प्रकार आगे भी चित्रण कार्य चलता रहा, निरंतर चलता रहा। 14वीं शताब्दी की ईसाई भित्ति चित्रकला के उदाहरण बल्गारिया तथा रोमानिया आदि में विशेष रूप से देखे जा सकते हैं।